बहुत आगे बढ़ो, आपका एक कदम और परमात्मा का हजार कदम आपके साथ उसकी छत्र छाया में हो, बहुत अच्छा है। और माता प्रथम गुरु, आपकी माँ ही इतना अच्छा ज्ञानी और योगी आत्मा है, तो आपको बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले है ना, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आप लक्की भी हो, लवली भी हो, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, इतने सब लोग प्रार करते हैं, तो लोकप्रिय, जो लोकप्रिय होता है वो बहुत अच्छा, सबको प्रिय होता है। लोकप्रिय माने क्या, अच्छी बात है ना, आप लोकप्रिय लाठी हर साल आना बंद। ये तो मैं हमेशा बताती हूँ, ये रक्षा बंधन, तो बंधन शब्द सबको अच्छा नहीं लगता है, बोले कि हमको बॉन्डेज नहीं चाहिए, पर रक्षा बंधन न्यारा और प्यारा बंधन है, बरोबर है ना। तो रक्षा बंधन को शास्त्रों में दो नाम और दिए हैं, एक विष तोड़क पर्व और दूसरा नाम है पुण्य प्रदायक पर्व। तो रक्षा बंधन जो है वो कैसे, धागा ही है लेकिन धागे का इतना महत्व है कि कहा गया माइथोलॉजिकल स्टोरी है, परंतु उससे हमको बोध पाठ मिलता है कि कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधा तो उसको कोठा सोच पहले नहीं थी, वो आ गई, वो सात कोठा उसको जीतना था, ये स्टोरी है। तो बाद में ऐसा हुआ कि उनको नहीं जीतने देना था, तो चूहे के रूप में भाई उसका धागा राखी का टूट गया, तोड़ डाला, तो वो भूल गया। और ऐसा गीत में भी गाते हैं कि कुंती ने अभिमन्यु को अमर राखी बांधा, तो इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधा, तो कहा जाता है कि उसका खोया हुआ स्वराज्य था वो उसको वापस मिल गया। तो राखी का ये महत्व है ना, हमारे दादी जी जो थे वो सबको प्यार से राखी बांधते थे, फिर चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी प्रकाश पांडा, कल ही उनका दिन था, शरीर छोड़ा था, तो कल प्रेसिडेंट ने वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में दादी की स्टैंप का इनॉग्रेशन किया, कल ही हुआ है उनका। तो वो दादी जो थे ना वो हमेशा क्या बोलते थे, बोलते थे दादी आपने हमको राखी बांधा अभी हम आपको क्या देंगे, तो सुनो, तो दादी क्या बोलती थी, पांच खोटा पैसा एक आना, तो वो लोग किसे में पांच खोटा पैसा भी कहाँ से निकाले, तो दादी समझाती थी पांच खोटा पैसा माना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईगो, उनको छोड़ना है और एक बार आना है। ये ब्लेसिंग था, पढ़ो पढ़ो क्या